अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर इंग्लिश क्लास टुडे, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एज यू नो दैट हमारा जो यूनिट वन है वो हम पढ़ चुके हैं और उसका जो पार्ट फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन वो भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे टू, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग। ठीक है, ये बच्चे खुद करेंगे चूँकि बच्चे हमारे पास हैं नहीं, तो हम इसको बच्चों को गाइड कर लेते हैं। ठीक है, और बच्चे ख़ुद से भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन वन है, व्हाई डज़ अनवर गो टू स्लीप। ठीक है, अनवर क्यों सो गया था, क्यों सो गया था? आपने देखा था अनवर ने जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनवर ने जैसे ही, चूँकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा और अनवर ने जैसे ही दरख्त के नीचे शेडो था वहाँ पे बैठा, तो वो उसने रिलैक्स हुआ तो वो सो गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ये बुक के ऊपर ही हमने सॉल्व करने हैं, हमने बहुत शॉर्ट सा आंसर लिखने हैं, ही फील रिलैक्स। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोने जाते हैं, तो आपने अपनी टाइमिंग लिखनी है। ठीक है, एट 10 PM, 11, 9, जो भी आपकी टाइमिंग है। ठीक है, What does Anwar dreaming about? अनवर ने ख्वाब में क्या देखा था? ठीक है, उसने ख्वाब में क्या देखा था कि वो अपनी अम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए एक प्रेजेंट बना रहे, एक तोहफा बना रहे। ठीक है, मेकिंग अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर। ओके, आपने इसी तरह इसको अपनी बुक पे लिखना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट आते हैं हम थ्री पे, रीड दी सेंटेंसेज अलाउड, कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर इन टू योर नोटबुक। ठीक है, हमने ये सेंटेंसेस जो है इनको रीड करना है और इनको कॉपी करना है करेक्ट ऑर्डर में अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, अपनी कापियों में इनको सही तरतीब से लिखना है। ये जो हमें यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन हैं ये एक ऑर्डर में नहीं है, हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं ऐसे ही। ए है हमारे पास, अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। ठीक है, बी है हमारे पास, अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स। नंबर सी है हमारे पास, अनवर इज़ इन हिज गार्डन। डी है हमारे पास, अनवर इज़ ड्रीमिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस जो है स्टोरी में सबसे पहले आया था। सबसे पहले हमने यही देखा था, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, वन। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे वन पे ये सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि अनवर क्या कर रहा था, अपनी आइज़ क्लोज कर दी थी या वो एंट्स को काउंट कर रहा था या वो ख्वाब देख रहा था, तो उसके बाद वो क्या कर रहा था, एंट्स की काउंटिंग कर रहा था। ठीक है, नंबर टू पे हमारे पास ये सेंटेंस आएगा। आफ्टर दैट क्या हुआ था, उसने अपनी आइज़ क्लोज कर दी थी, तो थ्री पे हमारे पास ये सेंटेंस आ गया। डी पे हमारे पास, नंबर फोर पे देखें, अनवर इज़ ड्रीमिंग, जब उसकी आइज़ क्लोज हुई वो सो गया और वो क्या देख रहा था, ख्वाब देख रहा था। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये एक तरतीब से आ गए। ठीक है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये एंड लास्ट पे ये वाला सेंटेंस। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे एक चैलेंज है हमारे पास, हैव यू एवर मेड अ प्रेजेंट और अ कार्ड फॉर योर मदर, क्या आपने कभी कोई तोहफा या कार्ड वगैरह बनाया अपनी अम्मी के लिए? व्हाट वाज द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट क्या था, एंड व्हाट डिड द कार्ड से, और उस कार्ड में क्या लिखा हुआ था आपने? ठीक है, अगर नहीं बनाया तो आप लोग बनाएं, चूँकि ईद का मौका है, रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद का मौका है, तो आपके पास एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपनी अम्मी के लिए एक प्रेजेंट बनाएं या एक कार्ड बनाएं, खुद बनाएं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5 पर। ठीक है, वर्किंग विद वर्ड्स, वोकेबलरी वर्ड्स हैं ये, हम कर चुके हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रीड दीज वर्ड्स अगेन, नाउ राइट देम इन योर नोटबुक, ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कैन यू स्पेल देम ऑल करेक्टली, मैंने एक एक की स्पेलिंग आपको बताई थी और आपने ये मेमोराइज़ करनी है इसकी स्पेलिंग्स। ठीक है, लर्न अबाउट लैंग्वेज, मेन ये जो हमारे पास पोर्शन है ये ग्रामर का है। ठीक है, यूजिंग ए और एन, अब हम देखते हैं कि ए कहाँ पे यूज़ होता है और एन कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं, ये हमारे पास एक बास्केट है और ये हमारे पास एग है। ठीक है, हमारे पास जितने भी कॉन्सनेंट साउंड्स होंगे उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। ठीक है, जितने भी कॉन्सनेंट साउंड्स होंगे उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, और जितने भी वोवल्स होंगे उससे पहले हम यूज़ करते हैं
एंड, ठीक है, ये रूल है। अकॉर्डिंग टू रूल जितने भी कॉन्सनेंट्स होंगे उससे पहले ए यूज़ होगा और जितने भी वोवल्स होंगे उससे पहले एन। हमारे पास वोवल्स कितने हैं टोटल? 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहाँ ये वाले जो साउंड्स, ये वाले वर्ड्स हमारे पास जितने भी आएंगे जो कि वोवल से स्टार्ट होंगे उससे पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। और जितने भी कॉन्सनेंट्स होंगे उससे पहले हम ए लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये मैंने काम इधर लिखा हुआ है इसका, ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ और पिक्चर भी आपको सेंड कर देती हूँ। आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है। टॉपिक हमारे पास क्या है? यूज़ ऑफ ए एंड एन, के ए और एन का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए कहाँ पे यूज़ होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स से पहले जो यूज़ होते हैं वो ए यूज़ होते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स, जो वोवल साउंड्स होते हैं उससे बिफोर हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग देखेंगे, आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बनाई हुई हैं ए और एन की, ठीक है। तो इससे आप ज़्यादा क्लियर आपको होगा कि ए वाले वर्ड्स कौन से हैं और एन वाले, ठीक है। जस्ट लाइक ए बार्बर, ठीक है, बार्बर कहते हैं हजाम को। ए टीचर, अ सिंगर, अ साइंटिस्ट, अ पायलट, अ डॉक्टर, अ बेकर, अ बुक, अ पेंसिल, अ चेयर, ठीक है। ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिसमें आपके लिप्स, आपकी टीथ, आपकी टंग आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और वोवल्स वो होते हैं जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ना आपके लिप्स जुड़ते हैं, ना आपकी टंग और ना आपके टीथ जुड़ते हैं, ठीक है। एन वाले देखते हैं, एन एक्टर, एन इंजीनियर, एन आयरन, एन एग, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इग्लू, एन एप्पल, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है? वॉल से पहले जो हम यूज़ करते हैं एन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी। होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वाला वर्क जो है ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है।